नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। विश्व योग दिवस के मौके पर पूरे देश में लोगों ने योग किया। प्रधानमंत्री ने भी सभी देशवासियों से योग के जरिए स्वस्थ रहने की अपील की थी। वहीं बरेली की महानगर कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट में योग किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए चंद लोगों ने योग किया। तड़के 6 बजे लोग बैडमिंटन कोर्ट में इकट्ठा हुए और सूर्य नमस्कार से लेकर प्राणायाम के गुर सीखे। योगा टीचर दयाशंकर ने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाने का आह्वान किया। इसे इस तरह से एडजस्ट करके रखेंगे कि आप इजीली अपना नाभि मंडल ऊपर की ओर उठा पाएंगे। ठीक है, मैं कराऊंगा। श्वास को भरते हुए एड़ियों और हथेलियों पर जोर डालते हुए नाभि मंडल धीरे धीरे ऊपर उठाना है। सांस को भरते हुए एड़ियों और हथेलियों पर जोर डालते हुए नाभि मंडल धीरे धीरे ऊपर उठाइए। गर्दन पीछे ढीली, खेची नाभि मंडल आकाश की ओर, पैरों के अंगूठों को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है बिना घुटना मुड़े। थोड़ा होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। बस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। जितना स्लो प्रोसेस में आप ऊपर उठेंगे और जितना स्लो प्रोसेस में नीचे आएंगे उसके अच्छे लाभ मिलेंगे। खेचिए नाभि को आकाश की ओर, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दीजिए बिल्कुल। नाभि का स्ट्रेच बढ़ाते रहिए आकाश की ओर। ब्रीदिंग नॉर्मल, पैरों के अंगूठों को जमीन से लगाने की कोशिश बिना घुटना मुड़े। बस श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आइए। पैर खोलकर विश्राम करिए। खूब गहरे लंबे सांस लें, धीरे सांस लें और पूरी सांस लें। श्वास की रफ्तार आहिस्ता कम से कम। जो साधक वज्रासन में बैठ सकते हैं वैसे वज्रासन में, जो नहीं बैठ सकते वो ऐसे आपके पास में आएगा। ये जो डॉक्टर हम करने जा रहे हैं वो भी आपको ज्यादा फायदेमंद है। पहले देख लें, जो मैं कराने जा रहा हूँ उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट कैमल को उष्ट कहते हैं ऊंट के लिए, तो ये पोज उसी से लिया गया इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन। इसमें क्या करना होता है, इस तरह से घुटने और पंजे कंधे के बराबर चौड़ाई में खुलना होता है। बैठे पहले अच्छी तरह से देखें, दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिलाएंगे और ऐसे टटोल के देखेंगे जहां आपको रीढ़ की हड्डी में ज्यादा डीपनेस मिले, गड्ढा मिले, वहां रखना है। शेष 4 उंगलियां नॉबल की ओर, और फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे आपने कमर को बेंड करना है। ऐसे नहीं करना, घुटने से थाइस तक परपेंडिकुलर। और जिनकी बेंड हो जाए अच्छी वो एड़ी भी छूने की कोशिश कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। घुटने से जंघा तक बिल्कुल सीधा। ठीक है, मैं करूंगा। घुटनों के बल आ जाए, घुटने और पंजे कंधे के बराबर चौड़ाई में खोल दें, पंजे फ्लैट रहेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे परस्पर मिलते हुए रीढ़ से बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर शेयर नहीं होगा। जहां अंगूठे जो है दो 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 तीन तीन बना लीजिएगा, बैठे इतना आपस में मिलते हुए रीढ़ के गड्ढे पर स्पर्श करते हुए पंजे सर ऐसे खड़े होके करना है। पंजे प्लेट रखेंगे, लिटा करके रखेंगे, बहुत धीरे करना है, आंखें बंद रख करके करना है।